नमस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन हॉट पे आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम नरम और रसीले नारियल के लड्डू की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है मात्र तीन चीज़ों में लड्डू बनकर के रेडी हो जाते हैं ना ज़्यादा खर्चा लगता है और ना ही समय बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो इन्हें आप अपने घर पे ज़रूर बना के देखिएगा सभी को बहुत पसंद आएंगे एकदम नरम होते हैं ये लड्डू ये देखिए आप बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करते हैं नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में डाल लेना है दूध तो मैं दो कप दूध डाल रही हूँ ये फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने पूरा पाँच सौ दूध है अब दूध को आपको उबाल आने तक पका लेना है तो देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है तो अब आप क्या करें जो दूध के ऊपर मलाई आ गई है इस मलाई को दूध में अच्छे से मिला लें और साइड में भी आप देख सकते हैं मलाई लग रही है इसे भी हम उतार करके दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी तो एक कप भर के मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ वजन से देखें तो ये पूरी 220 ग्राम चीनी ली है मैंने अब चीनी को भी हम दूध के अंदर अच्छे से मिलाएंगे अब आपको फ्लेम को हाई पे रखना है और इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे लगभग पाँच से छः मिनट के लिए पकाना है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो छः मिनट बाद आप देखिए दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है चीनी भी इसमें अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं तो इसे इतना ही पकाएंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट तो मैं इसमें तीन कप नारियल का बुरादा डाल रही हूँ आप चाहें तो नारियल के बुरादे की जगह जो सूखा नारियल आता है उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं तो अब नारियल के बुरादे को हम दूध में अच्छे से मिलाएंगे फ्लेम को आपको इस टाइम पे लो टू मीडियम पे रखना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी नारियल दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर मिला लिया है अब आपको क्या करना है इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि जो नारियल है पूरी तरह से दूध को एब्जॉर्ब ना कर ले यानी कि दूध के साथ पक ना जाए एकदम ड्राई ना हो जाए यानी कि डो फॉर्म में ना आ जाए तो पाँच छः मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो नारियल है पूरी तरह से ड्राई हो गया है इसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से दूध के साथ इसे हमने पका लिया है तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए तो आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दें और अब इलायची पाउडर को भी हम नारियल के अंदर अच्छे से मिलाएंगे और मिलाते हुए लगभग इसे 30 सेकंड के लिए पकाएंगे ज़्यादा नहीं पकाना है इसे आपको तो 30 सेकंड तक मैंने इसे पका लिया है अब आप देखिए जो हमारा लड्डुओं का ये मिक्सर है ये बनकर के एकदम रेडी हो चुका है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सर को एक दूसरे बर्तन में निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेंगे तो देखिए इस बर्तन में मैंने नारियल को निकाल लिया है ये हल्का ठंडा हो गया है ज्यादा ठंडा नहीं करना है हल्का गर्म होना चाहिए मिक्सर थोड़ा सा अब हम हाथ पे घी लगा लेंगे ताकि जो लड्डू का मिक्सर है हमारे हाथ पे चिपके ना इजीली हम लड्डू बना पाएं तो अब आपको थोड़ा सा मिक्सर लेना है और इसको अच्छे से मुट्ठी में दबाते हुए लड्डू की शेप दे देनी है बहुत ही अच्छी इसमें बाइंडिंग आ रही है आप देख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ा दोनों हाथों के बीच में लेकर के अच्छे से रोल करेंगे ताकि एकदम परफेक्ट शेप आ सके लड्डू की तो आप देख सकते हैं एक लड्डू मैंने बना लिया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है लड्डू एकदम गोल है तो अब इस लड्डू को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा लगाएंगे तो ये प्लेट में मैंने थोड़ा सूखा नारियल का बुरादा लिया है इसे हम लड्डू पे अच्छे से लगा लेंगे लड्डू को कोट कर लेंगे इसमें तो देख सकते हैं ये एक लड्डू बन गया है बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखिए आप तो इसे हम रख लेते हैं प्लेट के अंदर और सेम इस तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बना लेंगे सिंपली आपको थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेना है और इसे मुट्ठी में दबाते हुए लड्डू की शेप दे देनी है बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये दोस्तों बहुत ही झटपट ये लड्डू बन जाते हैं और सभी को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये लड्डू तो इसे कोट कर लेंगे नारियल के अंदर तो ये दूसरा लड्डू भी बन गया सेम इस तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी तो देख सकते हैं एक एक करके मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बना करके रेडी कर लिए हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लड्डू बने हैं आप इस रक्षाबंधन पे इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय